क्वेश्चन गिवन है आपके पास, लेकिन मैं थीटा पे कंडीशन डालता हूँ, थीटा पे मैं कंडीशन डालता हूँ कि थीटा को तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख, थीटा बिलोंग्स टू हाँ। अब तेरे को टेन थीटा गिवन है इक्वल्स टू, लेकिन जो थीटा आएगा वो तेरा किस में आएगा, जो थीटा आएगा तेरा वो किस में आएगा, वो आएगा तेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत, जो आंसर निकालना है वो थीटा में निकालना है, लेकिन थीटा तेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है। हाँ, सोच समझने वाली बातें ये हैं कि किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। ध्यान से देख, इस पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दे, इस पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दे, जो बच्चे हैं इन पे लगा दे। कोई दिक्कत थोड़े ना यहाँ तक आपके, जल्दी से ये फॉर्मूला लगाइएगा और क्या आता है ये बात मेरे तक पहुँचाइएगा। थीटा पूछा है, लेकिन मैंने थीटा के बारे में बोला है कि थीटा आपको कहाँ तक भेजना है, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजना आपको। करें आगे सर, जो बातें आपको पूछनी हैं बिल्कुल बेझिझक आप टाइप कीजिएगा, हिंदी में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, जिसमें भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो भाई। अब हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर इन लास्ट वाले से देखो, मेरे कर्सर की तरफ बोल देखना, जो बच्चों का कमेंट है और जो नहीं सोच पाए हैं, जो जिन्होंने सोचा है वो चीज़ देखिएगा। इन्होंने ये बोला है कि सर इसका और इसका ही क्यों किया, इसका और इसका भी कर सकते थे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन दोनों का सम एट होता है, इन दोनों का सम एट होता है, हमें वहाँ सोचना है, हमें वहाँ तक सोचना है, वापस बोल रहा हूँ, हमें वहाँ तक सोचना है जब इक्वल नज़र ना आ जाए, जब तक इक्वल नज़र ना आ जाए। हाँ सुनिएगा, फिर यहाँ देखिएगा, इनका सम एट होता है, इनका सम भी एट होता है। हाँ तो यहाँ तक हमें सोचना है बेटा, सम से प्रोडक्ट में जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेशन बनती है थोड़ी। आप लिखते जाइएगा, डिग्री आपसे नहीं लगेगी मुझे पता है, बस आप तो मेरे को टाइप कर करके भेज दीजिएगा कि मुझे क्या क्या लिखना है। हाँ जी सर, आप हमें बता रहे थे और हम समझ रहे थे, बिल्कुल बता रहा था, बिल्कुल आप समझ रहे थे हाँ, कि सर जब सम से प्रोडक्ट पे आते हो तो टू लेके आते हो, बिल्कुल लेके आते हैं सर। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा सर, साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाई टू डॉट कोस ए माइनस बी बाई टू लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, टू साइन ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 7 एट हो जाएगा, बाई टू करेंगे तो हम 4 कर देते हैं, यहाँ 4 डिग्री, और यहाँ कोस 1 माइनस 7 माइनस का 6 बाई 2 माइनस का 3, फिर यहाँ लगाते हैं 2 साइन 3 प्लस 8 5 बाई 2 यानी कि 4 डिग्री डॉट कोस, हाँ 3 माइनस 5 माइनस का 2 मतलब माइनस का 1 डिग्री, डिवाइड आपका 2 कोस ए प्लस कोस बी सर, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी हाँ, तो सर 2 कोस, हाँ 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा आपका 4 सर, कोस ए माइनस बी माइनस का 3, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस का 2 कोस 4 डिग्री और सर कोस 1 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो आप बता सकते हो। हाँ सुनने वाली बात यह है कि यहाँ से 2 2 कॉमन निकाल के हम काट सकते हैं, ये
ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाई। हाँ, अब ऊपर वाले से साइन 4 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा आपका कोस 3 डिग्री प्लस कोस 1 डिग्री, नीचे से कोस को 4 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा कोस 3 डिग्री प्लस कोस 1 डिग्री। हाँ, क्योंकि कोस माइनस खा जाता है इसलिए माइनस हमने नहीं लिया है, कोस माइनस खा जाता है इसलिए हमने माइनस को नहीं लिया है। आपके सामने नज़र आ गया होगा कोस 4 डिग्री है। बेटा यहाँ से जो मैंने क्वेश्चंस को चेंज किया है आपकी बात पे, ये आपका कोस 4 डिग्री, ये आपका कोस 4 डिग्री, ये आपका कोस 4 डिग्री किस में आया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है ना? लेकिन मैंने बोला है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि ये जो थीटा है, टेन के अंदर का जो थीटा है, टेन के अंदर का जो थीटा है, उस थीटा को आप किस में लेके आओ, उस थीटा को आप किस में लेके आओ, उस थीटा को आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आओ। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा हम पढ़ चुके हैं, पाई प्लस थीटा होता है सर, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है। तो यहाँ क्या दिक्कत हो गई है, यहाँ दिक्कत क्या हो गई है, यहाँ टेन पाई प्लस 4 कर देंगे हम। अरे भाई यही तो है ना थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ सर यही है। तो अब आपका थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा सर 180 प्लस 4 डिग्री इक्वल टू 184 डिग्री, है ना? घंटियाँ बज गई हैं आपकी, घंटियाँ आपकी बज गई है। हाँ जी, हाँ, छोटी सी बात ये बताने वाली थी कि जब टेन पाई प्लस थीटा किया जाता है तो थर्ड में जाता है, और थर्ड में टेन क्या होता है, टेन ही होता है वो। बच्चे ने ये आंसर किए हैं और मुझे पसंद आया ये आंसर। उसने सोचा कि सर चेंज वाली बात तो नहीं है ना। बेटा बात तो चेंज वाली थी, लेकिन पाई पे चेंज नहीं होता है, इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। तो डरने की कोई ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की है।